आज की यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, बिंदु P से शुरू कर प्रदीप 15 मीटर दक्षिण की ओर, इसके बाद बाईं ओर मुड़कर पहले तय की गई दूरी की दुगुनी दूरी तक चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है तथा अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायरेक्शन मैप बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेफ्ट राइट। ठीक, इतना बना लिए। आप ध्यान दीजिएगा, P से जो है P बिंदु है, एक यहां पर एक P बिंदु है, ठीक। इस P बिंदु से शुरू कर प्रदीप 15 मीटर दक्षिण की ओर, P बिंदु से प्रदीप शुरू कर, P बिंदु पर प्रदीप है और ये दक्षिण की ओर, नीचे की ओर है ना, दक्षिण देख लीजिए चित्र में, ठीक है। तो दक्षिण की ओर ये नीचे की ओर चले और कितना चले, 15 मीटर चले, ठीक। फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़कर, दक्षिण की ओर चलने पर बाईं ओर किधर पड़ता है, इधर ना, देख लीजिए, ठीक। तो बाईं ओर मुड़ता है और पहले तय की गई दूरी की दुगुनी दूरी तक चलता है। पहले कितना दूरी तय किया, 15 मीटर, तो पहले तय की गई दूरी का दुगुना मतलब 30 मीटर, ठीक। तो 30 मीटर चलेगा, 15 15 30, ठीक है, 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, अगर ये पूरब की दिशा की ओर जाएगा तो बाईं ओर किधर पड़ेगा, ऊपर की तरफ ना, बाईं ओर ऊपर की तरफ पड़ेगा, ठीक, ऊपर तरफ पड़ेगा। फिर कह रहा वह 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर इसी के बराबर होगा, ठीक, 15 मीटर तथा अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो जब ऊपर की ओर का मतलब उत्तर की ओर जाए तो दाईं ओर किधर पड़ेगा, ये राइट है ना, तो दाईं ओर मुड़कर कितने मीटर चलता है, 10 मीटर, 10 मीटर चलता है और यहां पर अब प्रदीप पहुंच गए हैं। प्रदीप कहां पहुंच गए हैं, यहां पर प्रदीप पहुंच गए हैं, यहां से शुरू किए, ठीक, और यहां पहुंच गए हैं। तो बताना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु P से, ठीक है, अंत में यहां तक, ठीक, बिंदु P, प्रारंभिक बिंदु P से अभी वो कितनी दूरी पर है, ये बताना है आपको, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम Q नाम दे देते हैं, इसको R दे देते हैं नाम, इसको S दे देते हैं और इसको T दे देते हैं नाम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर PQ क्या है, 15 है, तो और इधर SR भी 15 है, तो जाहिर सी बात है PQ बराबर क्या होगा, SR के, PQ बराबर SR होगा, ठीक। तो और QR बराबर कितना है, 30 मीटर है, ठीक। तो अगर ये QR है, ये आयत बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 30 मीटर होगी, ठीक। तो QR बराबर 30 मीटर, तो PS बराबर भी क्या होगा, 30 मीटर, क्योंकि आयत बन रहा है, तो QR बराबर क्या होगा, PS के, ठीक।
तो ये होगा 30 मीटर, और ST कितना दिया गया है, 10 मीटर, 10 मीटर है ये, ठीक। तो ये 30 मीटर है और प्लस के T, S और T कितना है, 10 मीटर है, बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर, 30 10 40। तो ये यहाँ से पी टी निकलेगा, क्या पी टी बराबर क्या होगा, पी और टी यहाँ तक, ठीक, पी और टी बराबर क्या होगा, पी एस प्लस एस टी, ठीक है। तो पी एस कितना है, 30, और एस टी कितना है, 10, बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर, जितना भी यहाँ लिखा है, ठीक। तो 40 मीटर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। और अब जो है वो प्रारंभिक बिंदु पी से जो है 40 मीटर दूरी पर है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 40 मीटर। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।